अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा ऐसी शख्सियत को जो कलकत्ता से आए ऊर्जावान युवा एवं प्रखर विचारक जो कि अल्प आयु के बच्चों को संरक्षण का निरंतर कार्य करने वाले वली रहमान जी को, वली रहमान जी से निवेदन है कि वो मंच पर आए और अपने विचार प्रकट करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए हमारे सभी वक्ताओं का। स्टेज पे मौजूद सारे डिग्निटरीज को, मधुर साहब को, जिग्नेश भाई को, हीरालाल साहब को, माधुरी मैम को और बाकी लोग, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि मुझे आपका नाम नहीं मालूम, वरना एक करके आपका नाम लेता मैं। कोई बात नहीं, और आप सभी जो आज हमारे मेहमान हैं, आप सभी को मैं अपना सलाम पेश करता हूं। इस देश के कई जगहों पे गया हूं मैं स्पीच देने के लिए, सिर्फ 19 साल का हूं, पर खुदा की कसम जितना जोश आज मैंने इस ऑडिटोरियम में देखा है उतने हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं देखा। मुझे लगता था कि मैं एक अच्छा वक्ता हूं, और आज आप सभी को सुनने के बाद मुझे लगता है कि मुझे भी सीखने की और जरूरत है। आप सभी के रगों में भीम साहब का, बाबा साहब का खून दौड़ रहा है, तभी आप में इतनी जोश है आज। मेरे भाइयों, एक तरफ मैं आज दलित और आदिवासी भाइयों को जब देखता हूं, दूसरी तरफ मुसलमानों को देखता हूं, तो ऐसा महसूस करता हूं दो कई जमाने से पिछड़े हुए भाइयों का आज मिलन हो गया है, आज संगम हो गया है। मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि दो नदियों का आज संगम हो गया है जिन्हें कभी मिलने नहीं दिया जा रहा था, और मैं चाहता हूं कि ये मिलन और ये संगम इस ऑडिटोरियम तक सीमित ना रहे, बल्कि ये संगम और ये मिलन पूरे हिंदुस्तान में फैले। मेरे भाइयों, आपको बताया जाएगा कि आप हिंदुत्व हैं, आपको बताया जाएगा कि आपको राम मंदिर के लिए लड़ना है, आपको बताया जाएगा कि आपको गौ की रक्षा करना है, आपको बताया जाएगा कि मुसलमान आपका दुश्मन है, मगर आप ये ना भूलें कि ये लोग आपका दंगों में इस्तेमाल करेंगे, आपके राइट्स में इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जब दंगे खत्म हो जाएंगे तो यही ऊंची जाति वाले लोग अपनी जूती आपसे साफ करवाएंगे। शायद आपको ये बात कड़वी लग रही होगी, मगर यही हकीकत है मेरे भाइयों, मैं मुसलमान हूं और मैं मुसलमान कौम से हूं, उसी कौम से हूं जिस कौम ने जब भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जब महाराष्ट्र में इलेक्शन हारते हैं, हम बंगाल में बुलाकर उन्हें इलेक्शन जीतवाते हैं, हम मुसलमान। मेरे भाइयों, ये हमारे इतिहास है, कैसे भूल गए अपने इतिहास को हम? कौन है मोदी, कौन है योगी, कौन है शिवराज सिंह चौहान? अगर आज हिंदू मुस्लिम, अगर आज दलित आदिवासी मुसलमान एक हो जाए तो 2019 का इलेक्शन के लिए चिंता करने की किसी को जरूरत ही नहीं है। सिर्फ देरी है तो इस बात की कि हम एक नहीं हो रहे हैं। मेरे भाइयों, आज से 3 दिन पहले हम 72nd इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, अपना स्वतंत्रता दिवस। 72 साल हो गए हमारी आजादी को, है कि नहीं? 72 साल के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आज कि क्या हम सच में आजाद हैं? क्या सच में आजाद हैं? हमारे दिलों की गहराइयों से यह आवाज निकल रही है कि नहीं, नहीं, हम आजाद नहीं है। मेरे भाइयों, अंग्रेजी का एक कहावत है कि दैट नन ऑफ अस आर फ्री अंटिल ऑल ऑफ अस आर फ्री, कि हम में से कोई आजाद नहीं जब तक हम सब आजाद नहीं। मेरे भाइयों, बाबा साहब का यह मकसद नहीं था कि वो अंग्रेजों से आजादी पाए। सिर्फ हिंदुस्तान तब आजाद होगा जब दलित और आदिवासी ऊंची जाति वाले लोगों से आजाद हो जाएंगे, वो असली आजादी होगी हमारी। मेरे भाइयों, मैं पूछना चाहूंगा, मुझे याद आता है मैं बंगाल से आता हूं तो मुझे रविंद्रनाथ टैगोर का एक गीत याद आता है जो उन्होंने 1913 में लिखा था। 1913 में कुछ ऐसे ही 2018 का माहौल था,
जिस तरह अभी एक खौफ का माहौल बना दिया गया है, एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया है, उसी तरह अंग्रेज उस वक्त हम पे राज कर रहे थे और अंग्रेज एक खौफ और डर का माहौल पैदा कर दिया था अंग्रेज ने। लोग डरते थे सच के लिए आवाज उठाने के लिए, लोग डरते थे कुछ लिखने में, लोग डरते थे कुछ बोलने में। और उस वक्त रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता लिखते हैं वो, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहां हमारा मन भय से शून्य हो और जहां हम अपने मस्तक को, अपने माथे को गौरव से ऊंचा करके चल सके। और यकीन माने मेरे भाई, अगर रविंद्रनाथ टैगोर आज जिंदा होते, मोदी की सरकार को देख के आज वही गीत आज फिर से लिखते कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। मेरे भाइयों, आज क्या दलित आदिवासी बेखौफ होकर रह रहे हमारे देश में? नहीं। क्या निडर होकर रह रहे हमारे देश में? नहीं। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहता हूं अपने दोस्त का, वो हरियाणा में रहता है। वो मुझे बताता है कि वली भाई, मैं हरियाणा के रेलवे स्टेशन से उतरता हूं और ओला कैब का इंतजार कर रहा था। वो ओला कैब आता है, वो ओला कैब में बैठता है, ओला कैब का ड्राइवर एक हिंदू, जो कोई चिंता की बात नहीं है, वो ओला कैब के आगे वाली सीट में बैठता है और बैठते ही ये देखता है कि ओला कैब के ड्राइवर के माथे पे एक सिंदूर लगा है, एक तिलक लगा है घेरवा रंग का, जो भी कोई चिंता की बात नहीं। उतने ही में मेरे इस दोस्त के दूसरे दोस्त फोन पे दूसरे दोस्त का फोन आता है। फोन उठाते ही वो सुनता है, कहता है सलाम वालेकुम। तो ये दोस्त जवाब देने में कतराता है, सोचता है अगर मैं वालेकुम असलाम बोलूं तो कहीं ऐसा ना हो कि साइड में बैठा ड्राइवर मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे, ये जानकर के मैं मुसलमान हूं। मेरे भाइयों, ये एक सिर्फ शुरुआत है। एक ऐसा वक्त आएगा कि मुसलमान कुर्ता पहनकर चलने में डरेगा, एक ऐसा वक्त आएगा कि मुसलमान दाढ़ी रखकर चलने में डरेगा, एक ऐसा वक्त आएगा कि मुसलमान मर्द अपनी औरतों से कहेगा कि तुम बुरखा पहनकर ना चलो, कहीं ऐसा ना हो लोगों को पता चल जाए कि तुम मुसलमान हो। मेरे भाइयों, और ये वक्त हमने 2002 गुजरात में देख लिया है और वो सिर्फ एक नमूना था। 2019 में अगर मोदी सरकार जीतता है तो उससे भी भयानक और भयंकर हमें दिखाया जाएगा नमूना, यकीन माने मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, मेरी बात को गौर से सुने आप, एक बहुत ही लॉजिकल बात बताने वाला हूं मैं आपको कि जब आंधी आता है, तूफान आता है, आंधी तूफान तो रोज नहीं आता, कभी कभी आता है, सैलाब क्या रोज आता है? नहीं ना, सैलाब कभी कभी आता है। जब सैलाब आता है तो लोग दहल से जाते हैं, डर से जाते हैं, सैलाब आया 100 लोग मर गए, आंधी आया 100 लोग मर गए। मगर अगर यही सैलाब, यही आंधी रोज आए तो एक आम बात बन जाएगा, लोग समझेंगे अरे कल भी आंधी आया था, कल भी सैलाब आया था, आज भी आएगा और कल भी आएगा, कल भी सैलाब की वजह से 100 लोग मरे थे, आज भी मरे हैं और कल भी मरेंगे। पर ऐसा नहीं है, सैलाब कभी कभी आता है। अगर सैलाब रोज आए तो लोग के लिए आम बात हो जाएगा। उसी तरह जब पहली बार अखलाक को दादरी में मारा गया था, पहली बार लोग पूरा हिंदुस्तान दहल सा गया था, ये सोचकर हर एक बच्चा, हर एक माँ, हर एक बेटी रो रही थी, ये सोचकर कि एक इंसान को गाय के लिए कैसे मारा जा सकता है, इस शक पे कि उसके फ्रिज में गाय का मांस है, दहल सा गया था। फिर पहलू खान को मारा जाता है, फिर जुनैद को मारा जाता है, उसके बाद नजीब को गायब किया जाता है, रोहित नमूना मरते हैं, और उसके बाद आज ये हाल है। जब अखलाक को मारा गया था, हिंदुस्तान दहल गया था ये सोचकर, और आज मरने मराने का एक सिलसिला ऐसा आम हो गया है कि कुछ दिन पहले जब उमर खालिद पे गोली चलती है, हिंदुस्तान को दहलना चाहिए था, हिंदुस्तान कहता ये तो होना ही था, इसने मोदी के खिलाफ जो आवाज उठाई थी ये तो होना ही था, आज जिग्नेश भाई पे गोली चल जाए तो हिंदुस्तान दहलेगा नहीं, हिंदुस्तान बोलेगा ये तो हो नहीं था, मोदी के खिलाफ जो आवाज उठाई थी कन्हैया कुमार पे गोली चल जाए तो हिंदुस्तान दहलेगा नहीं, हिंदुस्तान बोलेगा ये तो हो नहीं था, मोदी के खिलाफ जो आवाज उठाई इसने, मेरे भाइयों ये एक अच्छी निशानी नहीं है, एक लोकतांत्रिक देश के लिए ये एक अच्छी निशानी नहीं है। मेरे भाइयों, जब दलगोलकर को मारा गया था, पंसेरा को मारा गया था, तब भी हिंदुस्तान दहल गया था, जब गौरी लंकेश को मारा गया था तब भी हिंदुस्तान दहल गया था, पर मेरे भाइयों उमर खालिद के गोली चलने पे आज लोग कहते हैं ये तो होना ही था, कुछ लोग कहते हैं कि जानबूझकर खुद ही गुंडा बुलवाया, खुद ही खुद पे गोली चलवा ली पब्लिसिटी के लिए। क्या हो गया हमारे देश को, कहां जा रहे हैं आज हम? मेरे भाइयों, आप कह रहे होंगे
कि फिर पुरानी बातें तुम मुझे बता रहे हो। हमें मालूम है अखलाक मारा गया, हमें मालूम है पहलू खान मारा गया, नजीब गायब हुआ, रोहित वेमुला मरा, कुछ नया बात बताओ हमें। मेरे भाइयों यही परेशानी है हमारी, आज मौत की खबर भी हमें नहीं सुननी है। हम चाहते हैं कि रोज एक नई मौत की खबर सुने हम। शायद आपने अखलाक को भुला दिया होगा, आपने नजीब को भुला दिया होगा, आपने रोहित वेमुला को भुला दिया होगा, मगर मैं बता दूं कि आज भी नजीब की माँ रात को बैठ कर रोया करती होगी, आज भी अखलाक की माँ, अखलाक की बीवी, अखलाक के बच्चे रात को बैठ कर रोया करते होंगे। और ये कहानी तब तक पुरानी नहीं होगी जब तक हम मुसलमान, दलित और आदिवासी इन माओं की, इन बहनों की, इन बेटियों के आंसुओं का हक अदा नहीं कर देते। तब तक ये कहानी पुरानी नहीं होगी जब तक इनके आंसुओं का हम कर्ज पूरा नहीं कर देते। और मेरे भाइयों 2019 में हमें मौका मिल रहा है कि इनके आंसुओं का हम कर्ज चुका दें। मेरे भाइयों कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो मैं पूछूंगा स्वामी अवनिकेश क्या मुसलमान थे? अच्छा मुसलमान होंगे भी शायद, छुप छुप कर मुसलमान होंगे, वो भी तो घेरवा रंग पहनते थे, उन्हें क्यों मारा गया? एक महीने के अंदर 2 बार उन्हें पीटा गया। मेरे भाइयों अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, उन्हें सड़क पे पीट दिया जाता है। ये कांवड़िया जो कांवड़िया अभी गए थे, एक दिल्ली में गाड़ी में उन्होंने अटैक किया, गाड़ी में जो बैठी थी लड़की, क्या वो मुसलमान थी? नहीं मेरे भाइयों, वो हिंदू थी, उसका टाइटल भरद्वाज था। तो ये लोग ऐसा आम बना देंगे इस रसम को, मारने और मराने के रसम को ऐसा आम बना देंगे कि फिर ये देखेंगे नहीं कि आप हिंदू हो या मुसलमान, सिर्फ ये देखेंगे कि क्या आप इनकी सोच पे, इनके सोच के सामने झुकते हो या नहीं झुकते। फिर वो ये सोचेंगे, ये देखेंगे कि क्या आप हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहते हो, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहते हो या नहीं। मेरे भाइयों इस रस्म, इसे आम ना बनाया जाए इस रस्म को। मेरे भाइयों मैं इतना तो ये तो नहीं कह सकता मैं आपसे कि अगर आप कोई जुल्म हो तो मैं इसे रोक सकता हूं, मगर ये कह सकता हूं दलित भाई और आदिवासी भाई कि अगर आप पे 2 डंडे पड़ेंगे तो 1 लाठी मैं खुद खाने को तैयार हूं। मेरे भाइयों मैं ये कहता हूं कि ब्राह्मणों से मैं नफरत नहीं करता, और मैं कहता हूं आप भी ब्राह्मणों से नफरत ना करें। ब्राह्मणों से ये कहें आप कि आप गोली चलाएंगे तो अपने बाहों को फैलाकर आएंगे कि आप आओ हम गले लगा लेते हैं, एक साथ मिलकर दलित आदिवासी ब्राह्मण, आपने हम पे जुल्म किया, चलो माफ करते हैं आपको हम, आपने हमें जूतियां साफ करवाए, चलो माफ करते हैं आपको हम, चलो आओ अब गले लगा लेते हैं, आओ हमें दलित में से किसी एक को प्रधानमंत्री बना दो, आदिवासी में से किसी एक को प्रधानमंत्री बना दो, भाइयों वो दिन दूर नहीं जब दलित आदिवासी और मुसलमान एक साथ हो जाएंगे तो हम में से किसी एक का प्रधानमंत्री लाल किले में खड़े होकर 15 अगस्त के दिन झंडा फहराएगा, वो दिन दूर नहीं मेरे भाइयों। आओ मेरे भाइयों हम तुम हमारे बगीचे में अपने प्यार का पौधा डालो, हम तुम्हारे बगीचे में पौधा डालते हैं, साथ में इस देश को आगे ले जाते हैं, साथ में इस देश को आगे ले जाते हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, आपने कहा भीम की जय। मैं पहली बार दलितों से और हमारे आदिवासियों भाइयों से मैं बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं हिंदुस्तान की जय, हिंदुस्तान की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब साथ में नारा लगाएं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, हिंदुस्तान का संविधान। आइए भाइयों इसी के साथ मैं खत्म करता हूं ये कह के कि आप हमारे बगीचे में अपने प्यार का पौधा लगाएं, हम आपके बगीचे में अपने प्यार का पौधा लगाते हैं और साथ में इस देश को आगे ले जाते हैं जहां पे सारे लोग, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, ब्राह्मण हो, एक दूसरे के कांधे से कांधा मिलाकर आगे जाएंगे, कदम से कदम मिलाकर आगे जाएंगे, बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे, वो सपना जो उन्होंने देखा था कि ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जहां पे किसी में अंतर ना किया जाए, किसी में फर्क ना किया जाए, एक साथ एक देश को आगे ले जाते हैं। 70 साल हो गए हमारी आजादी को, 70 साल में हम इस देश को डेवलप कंट्री नहीं बना पाए, क्योंकि इस देश को डेवलप कंट्री इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि इस देश के दलित और आदिवासी को पीछे रखा गया। जिस दिन इस देश के दलित आदिवासी मुसलमान को आगे लाया जाएगा ये देश एक डेवलप कंट्री बन जाएगा इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।